छोटी सी फिल्म थी हमारी कश्मीर फाइल्स, सिर्फ और सिर्फ मैं तो हमेशा उनका कृतज्ञ रहूँगा, जो कोविड टाइम में जो अभी हमारी ऑडियंस जितनी मेच्योर हो गई है, जिन्होंने इंटरनेशनल कंटेंट देखा है, हमारे दूसरे भी जो लैंग्वेजेस की फिल्म्स हैं या कंटेंट है वो सब देखा है और बहुत अवेयर हो गई हैं वो, तो हमें वो वर्थ के लायक फिल्में बनानी होंगी और पक्का चलेंगी। कश्मीर फाइल्स इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं तो कभी ये बिलीव ही नहीं करता साउथ नॉर्थ वेस्ट ही हमारी इंडिया की फिल्में। फर्स्टली नया ट्रेलर आया है जिसको लेकर काफी बज़ बना हुआ है, कैसा लग रहा है? आई तो लव्ड इट। थैंक यू सो मच। देखिए आपने ही बोल दिया, आपने स्टार्ट कर दिया। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और उम्मीद थी कि लोग इतना प्यार देंगे, बट उससे ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है। और अभी हम बहुत जल्द एक सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं जूबी जूबी, उसका आज हमने सिर्फ एक लुक आउट किया है और उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। सो 30 तारीख को वो रिलीज़ है एंड या मैं आई एम वेरी एक्साइटेड, जब बहुत जल्द ट्रेलर रिलीज होगा, सो फिंगर्स क्रॉस। एंड जैसे आप लोगों ने मेरी लास्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्यार दिया है, उम्मीद करता हूँ कि इसको भी उतना ही मिलेगा। जी, वन थिंग दैट वीड लाइक टू नो, बिकॉज इस वक्त बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा हेट, एक नेगेटिविटी चल रही है जिसको लेकर हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड भी चल रहा है, हाउ डू यू सी दिस? सी, मैं तो हमेशा ब्राइट पिक्चर देखता हूँ और मैं इतना जानता हूँ कि मेरी फिल्म, छोटी सी फिल्म थी हमारी कश्मीर फाइल्स, सिर्फ और सिर्फ इन ऑडियंस की वजह से, इन हमारे, मैं तो कह रहा हूँ, हम कहते हैं ना जनता जनार्दन होती है, ये हमारे लिए भगवान है, इनकी वजह से हिट हुई है। सो फिल्म अच्छी होगी, लोग जाते हैं, उनका प्यार आता है, मिलता है और उन्हीं के कारण ही फिल्म हिट होती है, तो मैं तो हमेशा उनका कृतज्ञ रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि मेरी इस फिल्म को, आने वाली फिल्म धोखा को भी उतना प्यार मिले। लास्टली दर्शन ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है फिल्मों को, तो क्या एक बदलाव उनकी तरफ से आना चाहिए, फिल्म मेकर्स की तरफ से, क्योंकि इस तरह की फिल्मों को एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा है? देखिए, जो कोविड टाइम में जो अभी हमारी ऑडियंस जितनी मेच्योर हो गई है, जितनी उनको फिल्म की नॉलेज हो गई, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल कंटेंट देखा है, हमारे दूसरे भी जो लैंग्वेजेस की फिल्म्स हैं या कंटेंट है वो सब देखा है और बहुत अवेयर हो गई हैं वो कि क्या अच्छा सिनेमा है, कैसी अच्छी फिल्म होती है। तो मैं क्या, अब हमारी पूरी इंडस्ट्री ने कमर कस ली है कि अब अच्छा कंटेंट लाएंगे और क्योंकि वही एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर देखा जाए तो अभी हमारे लाइफ में क्या दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपकी भी, मेरी भी, ऑडियंस की भी, हर इंसान की, पैसा और टाइम, और दोनों फिल्म को देखने के लिए, थिएटर में जाने के लिए स्पेंड करना पड़ता है। तो आदमी 10 बार सोचता है कि मैं ये फिल्म देखूँ, इसमें अपना टाइम, अपना ये मेरे टाइम के लिए या मेरे पैसे के लिए वर्थ है कि नहीं, तो हमें वो वर्थ के लायक फिल्में बनानी होंगी और पक्का चलेंगी, क्योंकि ऑडियंस का प्यार सदियों से हमें मिलता आ रहा है और हमेशा मिलेगा। उनको भी एक अच्छी फिल्म देखनी होती है, मैं भी हर हफ्ते सोचता हूँ कौन सी फिल्म अच्छी है देखने जाऊँ। तो ये हर इंसान जिससे भी मैंने बात की, वो चाहता है कि वो अच्छी फिल्म देखे, तो जिस अच्छी फिल्में बनेंगी वो पक्का हिट होगी। कश्मीर फाइल्स इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। या जस्ट वन थिंग, क्योंकि साउथ की फिल्में बहुत अच्छा कर रही है और हम काफ़ी कोलैबोरेशन भी देख रहे हैं बॉलीवुड एक्टर्स और साउथ का, क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप भी इस तरह के कोलैबोरेशन में हिस्सा लेंगे? देखिए, मैं तो कभी ये बिलीव ही नहीं करता साउथ नॉर्थ वेस्ट ही हमारी इंडिया की फिल्में, जितनी फिल्में चलेंगी, जितना फ़ायदा, जितने लोग देखेंगे, उतना ही इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, वो इंडिया की इंडस्ट्री है। सो डेवलप करनी चाहिए और ऐसी ही फिल्में चलनी चाहिए, और डेफिनेटली क्यों नहीं, अगर अच्छी फिल्म, अच्छा कॉन्टेंट कहीं भी, यहाँ का इंटरनेशनली भी होगा, कहीं भी होगा, मैं डेफिनेटली उसका पार्ट बनना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अमेजिंग। थैंक यू सो मच।